उज्जैन में साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर चश्मे की व्यवस्था उज्जैन के जीवाजी गंज वेधशाला में की गई थी। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अल सुबह से ही लोगों का हुजूम वेधशाला में देखने को मिला। सूर्य ग्रहण का पूर्ण रूप देखकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को सुबह 8:09 पर शुरू हुआ, जो 10:58 तक देखा गया। उज्जैन में पूर्ण सूर्य ग्रहण 9:26 पर हुआ, जो 61.5% रहा। 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण को बलियाकार सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। उज्जैन की जीवाजी गंज विशाला में सुबह 7 से ही सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। सुबह 8:09 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई, जिसे देखकर लोग अचंभित हुए। जिनकी जीवाजी गंज वेधशाला में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर चश्मे का इंतजाम किया गया था, जिसके माध्यम से सूर्य की तेज किरणों को कम से कम देखा जा सके, या यूं कहें कि सूर्य की तेज किरणों को कम कर देखा जा सके, जिससे सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से साफ दिखाई दे रहा था। उज्जैन में सूर्य ग्रहण के सूतक काल से ही शहर के कई मंदिरों में ताले लगा दिए गए थे, जो सूर्य ग्रहण के पश्चात ही खोले गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण लगना अशुभ माना जाता है, और ग्रहण से पहले शुरू होने वाला सूतक भी उतना ही अशुभ माना गया है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यहां तक कि कई मंदिरों के कपाट भी सूतक काल में बंद कर दिए गए थे। चंद्र ग्रहण के सूतक काल 9 पहले से सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण करने के 12 पहले शुरू हो जाता है। हाँ, अभी तो मतलब हाफ ऑफ द मून इज अंडर द सन, और मतलब ब्लैक कलर का वो चश्मा दिया था उन लोगों ने, उससे देखा है। यहाँ पे देखने आए, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब सूर्य ग्रहण अभी आधा हो चुका है लगभग, और बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, ग्लासेस सबको उपलब्ध करवाए हैं। वेधशाला में फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी लगभग 50% से ऊपर हो चुका है। बिल्कुल जैसे चंद्रमा होता है सप्तमी अष्टमी पे, इस प्रकार का सूर्य आज हमें दिखाई दे रहा है चश्मे से। वे रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।